जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल विंड्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि विंड्स कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से एक परमानेंट विंड, वो विंड होती हैं जो साल भर एक ही डायरेक्शन में लगातार चलती हैं। तो परमानेंट विंड्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो क्या देखा था कि इस पृथ्वी पर अगर हम इसके अलग अलग भाग कर दें तो ये पाया गया कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे, यानी ये कैंसर और ये कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यहां पर इन दोनों के बीच में, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं, ये इनकी डायरेक्शन होती है। यही पढ़ा था हमने। इसके ऊपर वेस्टर्लीज होती हैं, इसके इधर भी वेस्टर्लीज पाई जाएंगी। वेस्टर्लीज की क्या विशेषता होती है? वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। ईस्टर्लीज की विशेषता होती है ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। उस आधार पर इनके नाम पढ़ते हैं। तो ये हमने वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज पढ़ी, और इसके बाद फिर ऊपर वाली जो थी वो क्या थी? पोलर विंड्स। फिर ऊपर पोलर विंड्स, पोलर विंड की बात करेंगे तो वो ट्रेड विंड के समान ही चलती हैं, ट्रेड विंड के समान चलती हैं पोलर विंड। इस तरह से तीन प्रकार की विंड पड़ी, इनको परमानेंट विंड कहते हैं। तो परमानेंट विंड तीन प्रकार की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। ठीक, तीन प्रकार की होती परमानेंट। शब्द परमानेंट क्यों पड़ा इनके लिए? क्योंकि एक साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, इसलिए इनको परमानेंट या प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। इसके साथ ही प्रवेलिंग शब्द प्रचलित के लिए आता है। प्रचलित मतलब जो पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, चारों ओर प्रवेल करती हैं, हर जगह जानी जाती हैं, इसलिए इनको प्रवेलिंग विंड्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर सीजनल विंड्स पड़ी थी। सीजनल विंड्स का मतलब होता है ऐसी विंड्स जो सीजन के अनुसार चलती हैं, उसका एग्जाम्पल है मानसूनी हवाएँ। तो जो मानसून विंड्स होती हैं वो सीजनल विंड्स कहलाती हैं। छः महीने कहाँ से चलती हैं? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी छः महीने इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? इस तरह से ये डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है। और शेष छः महीने ये उल्टी चलती हैं। उल्टी चलेंगी तो कैसे चलेंगी? इस तरह से ये चलेंगी। तो इनकी छः महीने डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये जो छः महीने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती हैं, यही भारत में मानसून लाने का काम करती हैं। तो भारत में मानसून कब आता है? जून के महीने में। भारत में मानसून आता है जून के महीने में, और जब जून के महीने में मानसून आएगा तो शुरुआत कब से होती है भारत में मानसून की? मुख्य भूमि पर 1 जून से, मुख्य भूमि पर 1 जून से होती है मानसून की शुरुआत। तो और इन हवाओं के चलने की शुरुआत कब से हो जाती है? 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर 21 मार्च शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इस भाग में सूर्य आने लगता है, यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू करता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाएगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर और उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर होगा। हवाएं हाई टू लो चलेंगी, यानी नीचे से ऊपर चलेंगी। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाली हवाएं ये कब से कब तक चलती हैं? ये चलती हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ठीक, ये चलती हैं नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे वापस 23 सितंबर से 21 मार्च, अगले 6 महीने ये उल्टी चलती हैं। इन्हीं को कहते हैं मानसून विंड्स। मानसून विंड्स इन्हीं को सीजनल विंड्स कहते हैं, क्योंकि सीजन के अनुसार चलती हैं। मतलब हमारे यहाँ जब गर्मियाँ होती हैं तो नीचे से ऊपर हवाएँ चलती हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो ऊपर से नीचे चलती हैं, इसलिए इनको सीजनल विंड्स कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर फिर हमने पढ़े, परमानेंट विंड हो गए, सेकंड नंबर पर सीजनल विंड हो गए। अब बारी आ रही है लोकल विंड्स की। इससे पहले हमने और एक विंड पढ़ी, कौन सी? ड्यूरनल विंड्स, दैनिक हवाएं पड़ी थी,
दैनिक हवाओं में कौन कौन सी होती हैं? जल समीर, थल समीर, लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस, माउंट और माउंटेन ब्रिजेस और वैली ब्रिजेस, यानी पर्वत समीर और घाटी समीर, इनको कहते हैं ड्यूरनल या दैनिक हवाएं। ये दैनिक हवाएं क्योंकि दिन में चलती हैं, दिन में इनका साइकिल चेंज हो जाता है, दिन के समय जिस दिशा में जाती हैं रात को डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए एक दिन में यानी 24 घंटे में ही अपना पूरा एक साइकिल कर लेती हैं कंप्लीट, इसलिए इनको दैनिक हवाएं कहते हैं। दैनिक हवा का मतलब है वो हवाएं जो एक दिन में अपना साइकिल कंप्लीट कर लें। सीजनल विंड का मतलब ऐसी हवाएं जो पूरे सीजन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, सीजन चेंज होते ही डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, तो जो पूरे सीजन में एक डायरेक्शन में चलती हैं उनको सीजनल विंड, जो दिन में यानी 24 घंटे में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं 12 घंटे एक तरफ दूसरे और अगले 12 घंटे में फिर वापस, तो पूरे दिन में अपना साइकिल पूरा कर लेती हैं, उनको दैनिक हवाएं कहते हैं। और परमानेंट विंड वो होती हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। साल भर ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। वेस्टर्लीज की जो डायरेक्शन है वो साल भर रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से पूरे साल भर जो हवाएं चलती हैं उनको परमानेंट या प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है। सीजन के अनुसार चलती हैं उन्हें सीजनल विंड्स कहते हैं, और सीजनल विंड या मौसमी हवाएं भी कह देते हैं उनको, है ना, एक ही बात है। और इसके अलावा मौसमी हवाओं को एग्जांपल मानसूनी हवाएं। फिर तीसरे नंबर पे आती हैं कौन सी? लोकल हवाएं, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो होती हैं जो पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष में ही चलती हैं, वो व्यापक नहीं होती, बड़े स्तर में नहीं होती, एक छोटे से भाग में चलती हैं, उनको लोकल विंड्स कहते हैं। तो देखिए लोकल विंड्स आपके सामने ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें अगर हम लोकल विंड्स की बात करें तो सबसे पहले इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है, परीक्षा में कॉन्टिनेंट वाइज पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली जो लोकल विंड्स हैं कौन कौन सी लिखी हैं? इन जितनी भी नॉर्थ अमेरिका की विंड्स हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो विंड है वो कौन सी है? चिनूक और विजार्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इनके बारे में हम समझें पहले। चिनूक वो विंड्स हैं जो अमेरिका में रॉकीज पर्वत के ढालों पर चलती हैं, रॉकीज पर्वत से ऊपर से नीचे उतरती हैं, और जब रॉकीज पर्वत से ऊपर से नीचे उतरेंगी तो ये होती हैं हल्की सी गर्म हवाएं। ये ढालों पर जब चलती हैं तो हल्की सी शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं ये, तो जैसे ही उतरती हैं नीचे तो क्या होता है फिर? रॉकीज पर्वत पे हर समय बर्फ जमी रहती है, तो जब गर्म और सूखी हवाएं उससे होकर उतरेंगी तो बर्फ को पिघला देंगी, बर्फ को पिघला देंगी, तो बर्फ पिघल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब बर्फ ख़त्म हो जाती है या पिघल जाती है, इसलिए इन हवाओं को क्या कहते हैं? हिमभक्षी, स्नो ईटर। स्नो ईटर यानी स्नो को खाने वाली, बर्फ़ को खाने वाली हवाएं। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किन हवाओं को स्नो ईटर कहा जाता है, बर्फ हिमभक्षी कहा जाता है, तो वो हैं चिनूक। कहाँ चलती हैं? अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ढालों पर। कैसी होती हैं? गर्म और सूखी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि चिनूक हवाओं का संबंध किस कॉन्टिनेंट से है? तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ? अमेरिका के रॉकीज पर्वत पर। अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर चलती हैं, स्वभाव में कैसी होती हैं? गर्म और सूखी। इनका काम क्या है? रॉकीज पर्वत पर जमी हुई बर्फ को पिघला देना, इसलिए इन्हें स्नो ईटर या हिमभक्षी भी कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं चिनूक से। साथ में लिखते जाइएगा आप लोग, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा करो, फेयर नोट्स घर में बनाया करो। चिनूक बस इतना लिख लो, हिमभक्षी, स्नो ईटर। कहाँ? रॉकीज पर्वत पर। किस प्रकार की? सूखी और गर्म, बस ये इनका स्वभाव है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड इन्हें नॉर्थईस्टर भी कहते हैं, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। किन हवाओं को नॉर्थईस्टर कहा जाता है या ब्लिजार्ड बोला जाता है? ये ब्लिजार्ड कैसी हैं? ये ठंडी हवाएं हैं, ये ठंडी हैं और अपने साथ बर्फीला तूफान लेकर आती हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो हिम कणों को यानी बर्फ के कणों को अपने साथ लेकर आती हैं, तो फिर चारों तरफ जैसे आंधी आती है तो धूल के कण दिखाई देते हैं, ऐसे ही जब ब्लिजार्ड आती हैं तो स्नो
बर्फ के छोटे छोटे कण पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और एक ऐसा लगता है जैसे धुंध चारों तरफ छा गई है, जैसे घने बादल चारों तरफ दिखाई देते हैं, ऐसे चलती हैं आगे बढ़ते हुए, पूरी स्नो को लेकर चलती हैं। जो थपेड़े पड़ते हैं हमको वो पानी के ना होकर स्नो के होते हैं, तो ऐसे स्नो के बहुत गहरे गहरे बादल बना लेती हैं ये और आगे की ओर बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें स्नो का तूफान भी कहते हैं। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्नो का तूफान लेकर आने वाली हिम तूफान, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि थंडर स्टॉर्म ऑफ स्नो लेकर आने वाली कौन सी हवाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्टर या ब्लिजार्ड। एक ही नाम है, दोनों का मतलब एक ही है। नॉर्थ ईस्टर आए तो भी यही मतलब है, ब्लिजार्ड आए तो भी यही मतलब है। तो ये बर्फीली हवाएं हैं, ठंडी हैं, कहाँ से आती हैं, ऊपर से, उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आती हैं, इसलिए बहुत ठंडी होती हैं ये। देखिए पहचानना बहुत आसान है मैप पर, जो हवा नीचे से ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इसका मतलब वो ठंडी है, क्योंकि निचले भागों में और उच्च भागों में क्या है, पोलर एरियाज हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं नीचे और ऊपर, तो ध्रुवीय क्षेत्रों से आएंगी तो वो ठंडी होंगी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नॉर्दर और नॉर्टे, ये दोनों भी उत्तर अमेरिका की हैं, ये दोनों भी उत्तर अमेरिका की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्टे ये मैक्सिकन क्षेत्र में चलती हैं, मैक्सिको इलाके में चलती हैं, तो ये भी कैसी हैं हवाएं, नॉर्टे कैसी हवाएं हो जाएंगी, ऊपर से आ रही हैं। ठीक, तो बस हमें ये देखना है कि ये उतर कहाँ से रही हैं, ऊपर से, नीचे से, इनकी डायरेक्शन देख के हमें समझ में आता है कि ये किस टाइप की हो सकती हैं, और एरिया देखिए आपके कौन से एरिया में चल रही हैं। ये वाला भाग अगर इस पर मैं एक लाइन बना दूं, कौन सी, इक्वेटर, तो इक्वेटर कहाँ आएगा इस पर, इक्वेटर कहाँ आता है, देखो जब भी कभी वर्ल्ड के मैप पर आपको इक्वेटर बनाना हो तो बहुत सिंपल याद रखना है, एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिससे होकर तीनों लाइन गुजरती हैं, जिससे होकर इक्वेटर भी गुजरती है, कैंसर भी और कैप्रिकॉन भी। अब इक्वेटर कहाँ गुजरेगी, इसके मध्य भाग से, यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। ये हो गई इक्वेटर। ठीक, इसके बाद आपको कैप्रिकॉन चाहिए तो ये हो जाएगी, ये कैप्रिकॉन हो गई। कैप्रिकॉन की क्या विशेषता है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजरती है, ये कैप्रिकॉन की विशेषता हो गई। अब आपको कैंसर चाहिए, इंडिया के मध्य से गुजरती है, बस सिंपल, ये है इंडिया, यहां से गुजार दो, आगे बढ़ा दो, अफ्रीका के ऊपरी भाग से, अफ्रीका के ऊपरी भाग से मध्य से ऊपर क्या, कैंसर, मध्य से नीचे कैप्रिकॉन। ये तरीका है याद रखने का कि अफ्रीका से होकर आपको तीनों लाइन गुजारनी है, जितना पार्ट नीचे छोड़ना है उतना ही पार्ट ऊपर छोड़ना है, बन गया तीनों मैपों, तीनों लाइन आप बड़े आराम से बना सकते हो। अब जो भाग ट्रॉपिकल रीजन में होंगे वहाँ गर्म हवाएँ चलेंगी, जो भाग ट्रॉपिकल रीजन में होंगे वहाँ स्वाभाविक है ये गर्म भाग हैं, ये इनके ऊपर वाले भाग उतने ठंडे तो नहीं हैं, ठंडे नहीं कह सकते, शीतोष्ण हैं, टेम्परेट हैं, टेम्परेट में गर्म और ठंडे दोनों हैं, और टेम्परेट के ऊपर ठंडे हैं। अगर आप टेम्परेट जोन में जाओगे तो कहाँ जाओगे, देखिए टेम्परेट जोन मीन्स आर्कटिक सर्कल में पहले पहुँचिए आप, तो आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है, आर्कटिक सर्कल यहाँ लीजिए, आर्कटिक हमारा ये आपका पुर्तगाल और नॉर्वे ये वाला क्षेत्र, ये आता है आर्कटिक में, ये हो गया आर्कटिक 66.5, इसे आर्कटिक सर्कल कहेंगे, ये हो गया 23.5 कैंसर, ये हो गया 0° इक्वेटर, ये हो गया फिर 23.5 कैप्रिकॉन, 66.5 ऊपर बना दिया, 66.5 नीचे बनाइए आप, 66.5 नीचे बनाओगे तो कहाँ आएगा, लगभग इस जगह पर, लगभग इस जगह पर आएगा 66.5।
ये अब आप देखेंगे कि और नीचे ही आएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भाग है इसे कहते हैं टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण है, टेम्परेट है। ये वाले भाग गर्म है, उष्ण यानी ट्रॉपिकल हैं। ट्रॉपिकल भाग में गर्म हवाएं चलती हैं, शीतोष्ण में शीत और उष्ण दोनों चलती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। इसके ऊपर केवल ठंडी, इसके नीचे केवल ठंडी, ठीक। ये तरीका है याद रखने का। शीत कटिबंध मतलब ठंडे भाग। शीत कटिबंध किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री वाले सर्कल के ऊपर। इस सर्कल को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, इस सर्कल को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से दूर, आर्कटिक से दूर मतलब 66.5 डिग्री लेटिट्यूड से ऊपर, और अंटार्कटिक से दूर मतलब 66.5 डिग्री साउदर्न हेमीस्फीयर में, उससे और आगे की तरफ 66.5 से आगे 70, 72, 75, 90 तक का भाग, ये कहलाएंगे शीत कटिबंध। तो शीत है नीचे और ऊपर, ये शीत हैं। बीच में है ट्रॉपिकल, ये नीचे है ट्रॉपिकल और बीच में है टेम्परेट। टेम्परेट में दोनों प्रकार की हवाएं हो सकती हैं, गर्म भी और ठंडी भी, ऐसे इनकी पहचान होती है। तो आइए अब देखें हम इसके बाद। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका में किस प्रकार की हवाएं हैं। तो इनमें जो नॉर्टे हैं ये वाली, अब ये किस क्षेत्र में आ रही हैं? देखिए आप, मैक्सिकन क्षेत्र में हैं, ठीक है, मैक्सिकन क्षेत्र में पहुँच रही हैं ये नॉर्टे। तो नॉर्टे मैक्सिकन क्षेत्र में होने के कारण इनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? लगभग गर्म ठंडा। अब चूंकि ऊपर से आ रही हैं इसलिए थोड़ी सी ठंडक लिए हुए होना चाहिए। तो ऐसे पहचाना जाता है। सामान्य तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हवाएं हैं जो आपको पढ़ना है, तो वो उनमें नंबर वन चिनूक, इसको नंबर एक कहूँगा मैं। आपको जो याद करनी है विशेष रूप से, नंबर एक चिनूक, नंबर दो ब्लिजार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों। अब इसके बाद मैं तीसरी हवाओं की बात करूं, तो उनमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट है पैम्पेरो, जो पंपास घास के मैदानों में चलती हैं। यहाँ अर्जेंटीना में पंपास घास के जो मैदान हैं वहाँ चलने वाली हवाओं को पैम्पेरो कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आप, नीचे से ऊपर चल रही है तो स्वभाव कैसा होना चाहिए? हल्का ठंडा। आवश्यकता अनुसार ये उष्ण भी हो सकती हैं, गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चूंकि नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो हम क्या कहेंगे? ठंडी हवाएं। तो गर्म और सूखी हवाएं, ठंडी और शुष्क हवाएं, तो नीचे से ऊपर की ओर चल रही, तो पैम्पेरो हो गई। इसके बाद ये तीसरे नंबर की हो गई। चौथे नंबर की हवा अब आप देखें, चौथे नंबर पे है फॉन, बहुत इम्पोर्टेंट। फॉन, बोरा और सिराको, देखो जो डार्क कलर में है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोरा ऊपर से नीचे आ रही हैं ठंडी हवाएं, फॉन नीचे से ऊपर जा रही हैं गर्म हवाएं हैं। नीचे से ऊपर, नीचे कहाँ? इस एरिया में, यहाँ गर्मी है इस एरिया में, यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रही है गर्म। समझेंगे बात को? बीच वाले भाग से ऊपर जाएं तो गर्म, ऊपर वाले भाग से नीचे आए तो ठंडी, ठीक है। तो ये फान गर्म और सूखी हैं, कहाँ चलती हैं? यूरोप में एल्पास पर्वत के ऊपर, यूरोप में एल्पास पर्वत के ढालों पर चलती हैं, और वहाँ से जब नीचे उतरती हैं मैदानी भागों में, तो विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड में बहुत फेमस है फान। स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर वहाँ सिट्रस फ्रूट की खेती होती है, यानी मौसमी, संतरा, नींबू और विशेष रूप से अंगूर। अंगूर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई हवाएं हैं तो वो फान हैं। चलती कहाँ है? यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में। नेचर कैसा होता है? गर्म और शुष्क। तो गर्म और शुष्क होने के कारण, चूंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, तो जितने भी ठंड में मैदान होते हैं वहाँ जो
जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है तो वो एग्रीकल्चर ठंडे हवाओं के संपर्क में होता है, और ऐसे में वहाँ हल्की सी गर्म हवाएं आ जाएं तो उसके लिए वरदान साबित होती हैं। इसीलिए जितने भी अंगूर की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई हवाएं हैं तो वो फ़ान हैं। फ़ान कहाँ चलती हैं आप याद रखेंगे, यूरोप के स्विट्ज़रलैंड के मैदानों में मुख्य रूप से ये, और गर्म और ठंडी हैं, सॉरी गर्म और शुष्क हैं। इसके बाद अगली हैं सिराको। सिराको हवाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हवाएं हैं। ये सिराको हवाएं कहाँ चल रही हैं आप देखेंगे, ये यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से आगे की ओर चलती हैं, मरुस्थल से चलेंगी तो कैसी होंगी, गर्म, गर्म और सूखी। जब ये गर्म और सूखी हवाएं सहारा मरुस्थल से ऊपर उठती हैं तो बीच में यहाँ क्या पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। कोई भी हवा, सूखी हवा जब समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो वहाँ के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसमें बहुत सारा नमी हो जाएगी। वो नमी को लेकर जब आगे बढ़ेंगी और आगे तटों से टकराएंगी, तो ये आगे बढ़ते हुए कहाँ टकराती हैं, इटली में, ये इटली वाला क्षेत्र है ये ऊपर। तो जैसे ही इटली में टकराती हैं, आ कहाँ से रही हैं, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल गर्म और शुष्क है, हॉट डेजर्ट है, और सहारा मरुस्थल का जो रेत है वो जहाँ से ये चलती हैं वहाँ लाल रंग का रेत है। तो लाल रंग के रेत के बालू के कणों को लेकर आगे बढ़ती हैं और इटली के तट पर टकराती हैं, तो वहाँ पर ये वर्षा करती हैं। तो जैसे ही टकराकर वर्षा करती हैं तो वर्षा के साथ बालू के लाल रंग के कण नीचे गिरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ब्लड टपक रहा है, खून रिस रहा है, खून की वर्षा हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लड रेन। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी हवाएं ब्लड रेन करती हैं, तो वो हैं सिराको। सिराको हवाएं चलती कहाँ से हैं, सहारा मरुस्थल से, होती हैं गर्म और सूखी। कहाँ वर्षा करती हैं, इटली के तटों पर। कैसी वर्षा होती है, ब्लड रेन, खूनी वर्षा। खूनी वर्षा के लिए फेमस होती हैं ये। खूनी वर्षा क्यों होती है, क्योंकि सहारा मरुस्थल से चलने वाले जो बालू के कण होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो जब लाल रंग के कण पानी के साथ नीचे गिरेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे खून टपक रहा है इस टाइप से, इसलिए इनको ब्लड रेन या खूनी वर्षा करने वाली हवाएं भी कहते हैं, सिराको, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद खमसिन। खमसिन हवाएं, ये मिस्र की घाटी, नील नदी की घाटी में, मिस्र में चलने वाली खमसिन हवाएं हैं, ये भी गर्म और सूखी हैं। कहाँ से चल रही हैं, सहारा मरुस्थली क्षेत्र में ही चल रही हैं, ये भी गर्म और सूखी हैं, मिस्र की घाटी में चलती हैं। तो मिस्र देश में चलने वाली खमसिन गर्म और सूखी। बोरा ठंडी हवाएं हैं, ऊपर से आ रही हैं ठंडी हवाएं हैं। कहाँ चल रही हैं, यूरोप में, यूरोप में हैं बोरा। ये कैसी हैं, ठंडी, ठंडी और सूखी हवाएं हैं, ऊपर से आ रही हैं तो ठंडी और सूखी। हेल्म ठंडी और सूखी। कहाँ चल रही हैं, पुर्तगाल, पुर्तगाल के आसपास, पुर्तगाली क्षेत्र में। नेक्स्ट हैं हारमट्टन। हारमट्टन हवाएं बहुत इम्पोर्टेंट। कहाँ चलती हैं, गिनी के तट पर। यहाँ गिनी है, अफ्रीका का ये क्षेत्र गिनी वाला क्षेत्र है, गिनी के तट पर ये चलती हैं। गिनी उस जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ह्यूमिडिटी से। इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि उनके चेहरे पर हमेशा, अगर आप ऐसे करके हाथ फेर दोगे ना तो ऐसा लगेगा तेल ही तेल आ गया, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इस क्षेत्र में। तो यहाँ रहने वाले लोग ह्यूमिडिटी से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसी ह्यूमिडिटी से राहत देने का काम करती हैं हारमट्टन, जो सहारा मरुस्थल से चल के गिनी के तट पर पहुँचती हैं। तो ये कैसी होती हैं, गर्म और सूखी। अब जरा सोचिए, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 100%, 90%, 95% अगर ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ सफोकेशन बहुत ज़्यादा होगा। सफोकेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण आपकी बॉडी से पसीना बाहर नहीं जा पा रहा, इसलिए सफोकेशन, इसी को कहते हैं हम।
तो जैसे ही गर्म और सूखी हवाएं उस क्षेत्र में आती हैं तो ह्यूमिडिटी को कम कर देती हैं, क्योंकि गर्म हवाओं का नेचर कैसा होता है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने वाला। तो जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उस इलाके में जैसे ही गर्म और सूखी हवाएं पहुंचती हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर देती हैं, जिससे वहां के लोगों को उमस से राहत मिलती है, सफोकेशन से राहत मिल जाती है। दूसरे शब्दों में कहें वहां के लोगों के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक हैं, इसीलिए इन्हें डॉक्टर हवाओं के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, किन हवाओं को डॉक्टर हवाओं के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन कहाँ चलती हैं, गिनी के तट पर। कहाँ से चलती हैं, सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म और सूखी हवाएं जब गिनी के तट पर पहुंचती हैं तो वहां के नागरिकों को उमस भरे मौसम से राहत देने का काम करती हैं, अर्थात ये स्वास्थ्यवर्धक हवाएं हैं, इसलिए वहां के लोग इन्हें डॉक्टर हवाओं के नाम से जानते हैं। वहां के लोग कहते हैं अब डॉक्टर हवाएं आ गई हैं, मौसम अच्छा हो गया है, तो ये डॉक्टर हवाएं इसीलिए कहा जाता है इनको, हरमट्टन को। एक ऊपर मिस्ट्रल और है, इसे भी आप समझ सकते हो। मिस्ट्रल देखिए, मिस्ट्रल ये चलती हैं फ्रांस में, ये फ्रांस में चलने वाली हवाएं हैं मिस्ट्रल, और ये कहां से आ रही हैं, ऊपर से, तो कैसी होनी चाहिए, ठंडी, ठीक। तो फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म और सूखी हवाओं को फान कहा जाता है। दोनों लगभग आसपास हैं लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर है। ये नीचे से ऊपर जा रही है तो फान गर्म और ठंड, गर्म और सूखी होगी, ये ऊपर से नीचे आ रही है तो सूखी और ठंडी होगी। तो इसलिए मिस्ट्रल ये चलती हैं फ्रांस में, तो ये हैं गर्म, ये हैं ठंडी और सूखी, फान है गर्म और सूखी, ठीक। ये दोनों में अंतर है, फान और मिस्ट्रल। सिराको हो गया, खमसिन हो गया, हरमट्टन हो गया। नेक्स्ट वन है हबूब। हबूब ये वो हवाएं हैं जिनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इन्हें नॉन डायरेक्शनल हवाएं भी कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल विंड के नाम से जाना जाता है। अदिशात्मक हवाएं, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती इसलिए अदिशात्मक हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। चलती कहाँ हैं, सूडान के क्षेत्र में। सूडान क्षेत्र में चलने वाली गर्म और सूखी हवाओं को हबूब कहा जाता है। ये जब बढ़ती हैं आगे तो बहुत घनी आंधी लेकर आती हैं, इनके साथ इतनी आंधी होती है कि पूरा शहर बिल्कुल धूली धूल में डूब जाता है। जब ये चलती हैं तो पूरे शहर के ऊपर धूल की आंधी लेकर आती हैं, और वो आंधी इतनी ज़बरदस्त होती है, जब ये हवाएं निकल के चली जाती हैं ना तो घरों में इतनी मोटी धूल और रेत की कण जम जाते हैं, इतने इतने मोटे, पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं। मतलब जब ये आती हैं तो लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर देती हैं। एक तो लोग दरवाजे बंद करके बिल्कुल अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि इतनी धूल लेकर आती हैं, उस धूल में कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बिल्कुल पैक कर लेते हैं, और जब ये निकल जाती हैं तो बहुत सारी धूल घर में छोड़ जाती हैं, पूरे घर की सफाई करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, पूरे व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देता केवल धूल के अलावा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ लेकर आती हैं। हबूब कहाँ चलती हैं, सूडान में। कैसी होती हैं, गर्म और सूखी आंधी, रेत और धूल भरी आंधियाँ लेकर आती हैं। नेक्स्ट है बोर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली ठंडी हवाएं बोर्ग कहलाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली बर्ग है या बोर्ग है देख लेना आप। बर्ग है शायद, बी ए आर जी। तो ये हवाएं दक्षिण अफ्रीका की हैं। इसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में आइए, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये अफ्रीका की हो गई सारी। ऑस्ट्रेलिया में है साउदर्लीज, इसे ब्रिक फील्डर भी कहते हैं। ब्रिक फील्डर और साउदर्लीज ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, लगभग एक जैसी हैं, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अलग अलग हैं दोनों, ब्रिक फील्डर और साउदर्लीज। साउदर्लीज नीचे से ऊपर आती हैं तो ठंडी हैं, ब्रिक फील्डर ऊपर से नीचे आती हैं तो गर्म है, बस इतना से याद रखना है आपको।
तो ब्रिक फील्डर और साउदर्लीज, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर ऊपर से नीचे आती हैं इसलिए गर्म है, साउदर्लीज नीचे से ऊपर जाती हैं इसलिए ठंडी हैं। दोनों हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। नेक्स्ट है काराबुरान, ये साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवाएं। काराबुरान और बुरान आप देख रहे हैं, ये दोनों हवाएं, ये दोनों साइबेरिया क्षेत्र की हवाएं हैं, ठंडी हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। तो चिनूक, ब्लिजार्ड, पेम्पेरो, नेक्स्ट चौथा फान, पांचवा सिराको, छठवा हबूब, सातवा हारमट्टन, आठवा खमसिन, नौवा काराबुरान, दसवां साउदर्लीज। इतनी हवाओं को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। इनको लोकल विंड्स कहते हैं क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्रों में ही चलती हैं, ये बहुत दूर तक नहीं जाती, केवल लोकल क्षेत्र में ही चलने वाली हवाएं हैं। इनका संबंध बहुत अधिक बड़े व्यापक क्षेत्र से नहीं होता, ये एक क्षेत्र विशेष में चलने वाली हैं, इसलिए इन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। समझ में आ गया विद्यार्थियों? यहाँ याद क्या रखना है, नीचे से ऊपर आए तो ठंडी, ठीक है। नीचे से ऊपर मतलब निचले जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश में आए, नीचे से ऊपर आ रही है, अथवा ऊपर से नीचे आ रही है, उच्च अक्षांशों से नीचे आ रही है, मतलब कौन से क्षेत्र से आ रही है, ठंडे क्षेत्रों से आ रही है। उच्च अक्षांश इधर और इधर दोनों तरफ होंगे, तो दोनों ही तरफ ठंडे क्षेत्र हैं, तो ठंडे क्षेत्रों से आ रही हैं तो ठंडी हैं, और ये गर्म क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्रों में ऊपर की ओर जा रही हैं इधर, और इधर भी यहाँ से नीचे की ओर जा रही हैं, तो गर्म क्षेत्रों से चल रही हैं, तो गर्म क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं गर्म होंगी, ठंडे क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं ठंडी होंगी। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अब आइए विद्यार्थियों हम दूसरी बात करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉन्ट्स यानी वाताग्र। फ्रॉन्ट को हिंदी में कहते हैं वाताग्र। क्या होते हैं फ्रॉन्ट? जब गर्म और ठंडी हवाएं, गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पर एक इस टाइप का ऐसी पिक्चर बनती है। कल्पना कीजिए कि ये गर्म हवाएं हैं, इधर से आ रही हैं ठंडी हवाएं, ये गर्म हवाएं हैं। और अगर मैं बात करूं ठंडी हवाओं की, ये ठंडी हवाएं हैं। जब भी फ्रॉन्ट्स पढ़ते हैं तो हवा के स्थान पर एक शब्द पढ़ा जाता है वायु राशि। वायु राशि मीन्स क्या कहेंगे, एयर मास, इंग्लिश में कहते हैं एयर मास। एयर मास किसे कहते हैं? एयर मास किसी भी स्थान पर हवा का वह बड़ा रूप है जिसका दूर दूर तक डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं ये लगभग एक जैसी होती हैं। यहाँ से लेके कई किलोमीटर तक
अगर हवा का प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, मतलब सारे लक्षण ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, अगर लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं है, सभी लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, तो एक जैसे लक्षणों वाली इन हवाओं को हम जो एक जैसे लक्षणों वाली हवा की एक बहुत बड़ी राशि जो स्थिर अवस्था में हो उसे वायु राशि या एयर मास कहते हैं। स्थिर अवस्था में है तब तक एयर मास है, जब ये चलने लगती है तो फिर ये विंड हो जाती है, पवन हो जाती है, आगे की ओर बढ़ती है वायु राशि। तो ये बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े एरिया में पाई जाती है एयर मास। तो ये आपके सामने दो प्रकार की एयर मास हैं, एक है रेड कलर से दिखाया मैंने, ये इसे बोलेंगे वार्म एयर मास, गर्म वायु राशि, और ये है कोल्ड एयर मास, ठंडी वायु राशि। जब गर्म और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के पास आकर मिलती हैं तो अक्सर क्या होता है, कोई एक वायु राशि दूसरी वायु राशि के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। प्रश्न उठता है कौन चढ़ेगी, जिसमें गति ज़्यादा होगी, जिसमें गति होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, जिसमें गति नहीं होगी वो नीचे रह जाएगी। अब यहाँ इस आधार पर देखिए, जब गर्म और ठंडी दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो स्थिति कैसी बनती है आप देखेंगे। जब भी गर्म और ठंडी वायु राशियाँ मिलेंगी तो स्थिति कैसी क्रिएट होगी, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है तो ऊपर चढ़ जाएगी, ठंडी हवा नीचे रहेगी। दोनों के बीच में आप देखेंगे, इन दोनों के बीच में ये एक स्लोप बन जाएगा, इस स्लोप को ही फ्रंट कहते हैं। जहाँ गर्म और ठंडी एयर मास एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क स्थल को फ्रंट कहते हैं, जहाँ वो संपर्क करती हैं। तो ये देखिए, ये इनका संपर्क स्थल है, इस स्थल के नीचे कोल्ड एयर मास है, ऊपर हॉट एयर मास है, हॉट एयर मास हमेशा कोल्ड के ऊपर चढ़ जाती है। तो दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र है या ट्रांजिशन जो एरिया है, उस ट्रांजिशन एरिया पर एक स्लोप टाइप का बन जाता है, इस स्लोप को ही फ्रंट कहते हैं। तो फ्रंट वास्तव में क्या है, कोल्ड एंड हॉट एयर मास के बीच का जंक्शन है, इस जंक्शन को फ्रंट कहते हैं। अब यहाँ एक बात निश्चित है कि फ्रंट होते कितने प्रकार के हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, तो चार प्रकार के फ्रंट्स आप याद रखेंगे। नंबर एक कोल्ड फ्रंट, नंबर दो वार्म फ्रंट, नंबर तीन ऑक्लूडेड, और नंबर चार स्टेशनरी। चार प्रकार के फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, इन दोनों की क्या विशेषता है, जो एयर मास गतिमान अवस्था में आकर दूसरे एयर मास से टकराती है उसके नाम से फ्रंट का नाम पड़ता है। सपोज कि इसमें आप ये कहें कि जो वार्म एयर मास है उसमें गति है, ये गतिमान है, ये वाला गतिमान है और ये वाला स्थिर है, तो जो गतिमान होता है वो क्या करेगा, स्थिर एयर मास में टक्कर मार के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्थिति में जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलेंगी तो याद रखना है, ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी, गर्म हवा हमेशा ऊपर रहेगी क्योंकि हल्की होती है, तो हल्की हवा ऊपर चढ़ जाएगी, तो गर्म हवा ऊपर चढ़ जाएगी और ठंडी हवा नीचे रह जाएगी। लेकिन गर्म हवा जब ठंडी को धक्का मारती है तो ठंडी हवा में क्या होता है, वजन ज़्यादा होता है, ठंडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कोल्ड एयर मास होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, हॉट एयर मास होगी डेंसिटी कम होगी। तो कम वजन वाला जब अधिक वजन वाले को धक्का मारेगा तो क्या होगा, कार ट्रक को धक्का मारे तो क्या होगा, तो दिक्कत किसको होगी, कार को ही होगी ना,
ट्रक अपनी जगह से थोड़ा मोड़ा इधर उधर होएगा, लेकिन कार के परखच्चे उड़ जाएंगे, कार सट से ऊपर चढ़ जाएगी ट्रक के, ऐसा ही होगा ना। तो बस सेम यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलती है, जब हॉट एयर मास कोल्ड एयर मास से आकर टकराती है तो इसको हटा नहीं पाती, कोशिश तो करती है कि इसके नीचे, ये हॉट एयर मास इसके नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत भारी होती है तो इसको हटा नहीं पाती, नतीजा क्या होता है इसके ऊपर चढ़ जाती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ के एक बड़े एरिया में इसके ऊपर फैल जाती है और एक फ्रंट बना लेती है। अब एक और फ्रंट की कल्पना कर कीजिए आप, एक और मैं फ्रंट बना रहा हूं, अब देखिएगा आप, ये वार्म एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, पहले गतिमान कौन था, इन दोनों में से कौन गतिमान था, वार्म, वार्म एयर मास गतिमान था, कोल्ड एयर मास स्थिर था, तो जो गतिमान होगा वो अपनी गति का असर दिखाएगा, तो ये इसको हटा तो नहीं पाई लेकिन इसके ऊपर चढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, अब गतिमान करेंगे कोल्ड एयर मास को, कोल्ड एयर मास गति करते हुए आगे बढ़ेगा और वार्म एयर मास को धक्का मारेगा, तो जब ये वार्म एयर मास को धक्का मारते हुए कोल्ड एयर मास आगे बढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए यहां से कोल्ड एयर मास आई और इसने इसको धक्का मारा, तो धक्का मारने में कोल्ड क्या करेगी, क्योंकि कोल्ड भारी होती है तो इसको उछाल देगी ऊपर, इसको ऊपर उछाल देगी और कोल्ड खुद नीचे बैठ जाएगी, तो नतीजा ये होगा ऐसी स्थिति बना लेगी और इसको उछाल देगी ऊपर, ये चली जाएगी ऊपर और कोल्ड इसके नीचे बैठ जाएगी, ऐसी स्थिति बनाएगी, नतीजा क्या होगा कि इनका जो ढाल होगा, ये वाला जो ढाल होगा, ये ढाल बहुत ज़्यादा शार्प होगा, कोल्ड नीचे बैठ जाएगी और जो गर्म थी उसको ऊपर ले जाएगी, ऐसी स्थिति को कहते हैं कोल्ड फ्रंट, यहाँ बनने वाले फ्रंट कोल्ड फ्रंट होते हैं, कोल्ड नीचे बैठ गई है और ये ऊपर चढ़ रही है, इसको लगातार ऊपर की ओर उछालने की कोशिश करेगी और कोल्ड नीचे आती चली जाएगी, नतीजा ये होगा लगभग इस टाइप की, इस ऐसा आकृति बनेगी, और अंततः ये ढाल बनेंगे ऐसे दोनों के बीच में। यहाँ क्या हुआ, कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के नीचे घुस गई क्योंकि वो भारी थी, गति करते हुए आगे आई और उसने क्या किया, हॉट को ऊपर उछाल दिया, ऊपर उठा दिया और खुद अंदर घुस गई, तो इस तरह से स्लोप बनेगा, ये वाला फ्रंट ये कहलाएगा कोल्ड फ्रंट, फ्रंट का नाम किससे पड़ता है, जो गतिमान होता है, अगर कोल्ड एयर वार्म एयर को धक्का मारे तेज गति से आते हुए तो उससे बनने वाले फ्रंट को कोल्ड फ्रंट कहेंगे, यदि वार्म एयर कोल्ड को धक्का मारते हुए ऊपर चढ़ जाती है तो उससे बनने वाले फ्रंट को हम वार्म फ्रंट कहते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दोनों में फर्क ये होता है कि जब वार्म एयर ऊपर चढ़ती है तो इसका जो फ्रंट होता है इसका ढाल बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसका ढाल बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये इसको धक्का मार ही नहीं पाती अच्छे से, नतीजा क्या होता है उसको धक्का मारने के चक्कर में खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो हल्की वस्तु होगी जब सामने वाली वस्तु को धक्का मारेगी, खड़े हुए ये ट्रक में अगर कार टकरा जाए तो नतीजा क्या होगा, कार खुद ऊपर चढ़ जाएगी ट्रक के, ट्रक वहीं रह जाएगा। ठीक वही चीज़ अगर ये उल्टा हो,
खड़ी हुई कार को धक्का मारे ट्रक तो कार को दूर उछाल देगा। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर गर्म हवा ठंडी हवा को धक्का मारती है और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ ठंडी हवा रुकी हुई गर्म हवा को धक्का मारती है, तो ठंडी हवा क्या करेगी, इसके नीचे घुस जाएगी। और ये गर्म हवा जस्ट लाइक कार, ये है ट्रक, जब ट्रक कार को धक्का मारेगा तो क्या होगा, कार को उछाल देगा ऊपर और खुद नीचे रहेगा। तो ये स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में ये जो बनेगा ये फ्रंट कहलाएगा। तो ये स्थिति बनेगी कोल्ड फ्रंट में और ये स्थिति बनेगी वार्म फ्रंट में। परीक्षा के लिए प्रश्न है, दोनों में से वर्षा किस में ज़्यादा होगी, वर्षा किस में ज़्यादा होगी, कोल्ड फ्रंट में या वार्म फ्रंट में? दोनों से ही जब भी गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो ठंडी हवा या गर्म हवा संघनित होती हैं, गर्म हवा के साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा जलवाष्प होगी। तो गर्म हवा जब ठंडी हवा के संपर्क में आएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से हमेशा बारिश होती है और बारिश होगी तो प्रश्न उठता है कौन सी कंडीशन में बारिश ज़्यादा होगी, कोल्ड फ्रंट में या वार्म फ्रंट में? अब आपको समझना है दोनों को कि किस कंडीशन में बारिश ज़्यादा होगी, कोल्ड फ्रंट में या वार्म फ्रंट में। कोल्ड फ्रंट क्या कर रहा था, कोल्ड फ्रंट आगे बढ़ा और गर्म एयर मास को उसने क्या किया, ऊपर उछाल के खुद नीचे घुस गया। नतीजा क्या हुआ, पूरी की पूरी गर्म एयर मास को ऊपर ले गया, मैक्सिमम गर्म एयर मास ऊपर गई। तो जब गर्म एयर मास ऊपर जाएगी तो बहुत तेज़ी से कंडेंस हो जाएगी, बहुत तेज़ी से कंडेंस हो जाएगी, नतीजा क्या होगा, बहुत तेज़ तूफानी वर्षा होगी। तो सबसे तेज़ वर्षा होती है कोल्ड फ्रंट में, जब भी कोल्ड फ्रंट बनता है तो बहुत तेज़ वर्षा होती है, कम समय में ज़्यादा बारिश होती है। और अगर वार्म फ्रंट बनेगा, ये वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट में क्या हुआ कि जो गर्म हवा थी वो धीरे धीरे करके ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाएगी। ये चूंकि पहले से ही हल्की है और रुकी हुई ठंडी हवा को धक्का मारती है, नतीजा क्या होगा कि ये उसको धक्का तो मार नहीं पाएगी, तो फिर क्या करेगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, तो इस तरह का एक स्लोप बनेगा। ये स्लोप, इसका ढाल कम होता है, इसका ढाल ज़्यादा होता है। तो ये वार्म फ्रंट जब भी बनेगा तो इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा, कम होगा, और ये धीरे धीरे इसके ऊपर स्थान बनाएगी। तो जैसे जैसे ये इसके ऊपर चढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा करती जाएगी। तो लंबे समय तक धीमी गति से वर्षा होती है, धीमी वर्षा होती है लेकिन लंबे काल तक, लॉन्ग टर्म तक बारिश होती है, ऐसा फ्रंट, उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट। दोनों में यही बेसिक फ़र्क है, वार्म फ्रंट लॉन्ग लास्टिक रेन करते हैं, लंबे समय तक बारिश करते हैं, और कोल्ड फ्रंट कम समय में ज़्यादा बारिश करते हैं, झमाझम बारिश होती है। कोल्ड फ्रंट से बनने वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो सारे के सारे क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, यानी कपासी बादल बनते हैं, कपासी बादल तेज़ बहुत ज़्यादा वर्षा लेकर आते हैं, उन्हें कपासी वर्षी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में कि ये वाले जो बादल होते हैं ये बहुत घने होते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं। इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किस फ्रंट से वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे कोल्ड फ्रंट सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं, वार्म फ्रंट से रुक रुक कर लंबे समय तक बारिश होती है, धीमी गति से बारिश होती रहती है, लंबे समय तक बारिश होती है, वो है वार्म फ्रंट। क्योंकि जब तक ये गर्म हवाएं पूरी तरह से इसके ऊपर चढ़ के संघनित नहीं हो जाएंगी तब तक वर्षा होती रहेगी। तो गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के ऊपर चढ़कर धीमी गति से जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगी वैसे वैसे कंडेंस होती चली जाएंगी और लगातार वर्षा करती रहेंगी, कई दिनों तक वर्षा होती है। तो वार्म फ्रंट कई दिनों तक वर्षा करने में सक्षम होते हैं, कोल्ड फ्रंट कम समय में ज़्यादा वर्षा करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद अगली आती है फिर ऑक्लूडेड और स्टेशनरी, क्या फर्क होता है इनमें। ऑक्लूडेड और स्टेशनरी की बात अगर हम करें, स्टेशनरी माने होता है रुका हुआ, रुका हुआ या स्थिर। जब दो वायु राशि इस तरह से हों, ये दो वायु राशियां हैं,
एक दूसरे के पास में आई और आकर खड़ी हो गई, स्थिर हो गई। तो एक दूसरे के पास में आकर अगर ये स्थिर हो गई और लंबे समय तक स्थिर बनी रही, तो फिर क्या होगा, इनका जो फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। दोनों एक दूसरे के साथ आकर रुक गई हैं, तो ये फ्रंट इनके बीच में बनेगा। नतीजा क्या होगा, फिर ये बहुत धीमी गति से, जैसे जैसे ये गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आएगी तो बहुत धीमी गति से कंडेंस होगी। धीमी गति से कंडेंस होगी तो ड्रिजलिंग होगी, ड्रिजलिंग माने रिमझिम वर्षा। तो ऐसी स्थिति में जब दो फ्रंट अलग अलग स्वभाव के, कोल्ड और वार्म फ्रंट, एक दूसरे के संपर्क में आकर लंबे समय तक रुके रहते हैं तो वो ड्रिजलिंग करते हैं लंबे समय तक, लगातार रिमझिम वर्षा होती है। तेज वर्षा नहीं होगी, बहुत रिमझिम, क्योंकि ये वाला जो गर्म फ्रंट है ये ठंडे फ्रंट के साथ धीरे धीरे संपर्क में आएगा और कंडेंस होता चला जाएगा। कंडेंस होगा तो स्वाभाविक है कंडेंसेशन में प्रेसिपिटेशन होगा, यानी वर्षण होगा, और वर्षण होगा तो वर्षा कैसा होगा, चूंकि ये बहुत धीमी गति से होता है, रुकी हुई है ना, गति है ही नहीं इनमें। अगर गति होती तो वर्षा तेज होती, जैसे अभी हमने वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में देखा, उसमें वर्षा तेज होती है, लेकिन इसमें चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ रुकी हुई हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, आकर इस बस मिल गई हैं एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में स्टेशनरी फ्रंट बनता है। और ये स्टेशनरी फ्रंट में इसकी विशेषता यही होती है कि इसमें ड्रिजलिंग होती है, रिमझिम वर्षा होती है और बहुत लंबे समय तक होती रहती है, लेकिन वो रिमझिम है, तेज नहीं। वार्म फ्रंट में क्या था, लंबे समय तक तेज वर्षा होती है। वार्म फ्रंट में लंबे समय तक तेज वर्षा होती है क्योंकि वार्म एयर मास पूरी तरह से ठंडी एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है। जब ऊपर चढ़ जाएगी तो ठंडे के संपर्क में आके धीरे 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 करके पूरी कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी तो ज़्यादा वर्षा करेगी। पूरे का पूरा वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ के, ये जब ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे ठंडक है तो ठंड के संपर्क में आके प्रेसिपिटेशन लगातार होता रहेगा, लंबे समय तक वर्षा होगी, लेकिन रिमझिम नहीं, उससे तेज वर्षा होगी। वर्षा तीन प्रकार की मान के चलो, एक हो गई बहुत तेज, थंडर स्टॉर्म कह सकते हैं जिसको, दूसरी हो गई मीडियम यानी मॉडरेट, और तीसरी हो गई रिमझिम यानी ड्रिजलिंग। तो वार्म फ्रंट में क्या होगा, मॉडरेट वर्षा होगी लेकिन लंबे समय तक होगी। कोल्ड फ्रंट में थंडर स्टॉर्म आएगा, तेज वर्षा होगी कम समय के लिए। और ये तीसरा वाला जो स्टेशनरी फ्रंट है, इसमें क्या होगा, वर्षा कैसी होगी, बहुत रिमझिम ड्रिजलिंग और लंबे समय तक होगी, ये इसकी विशेषता है। चौथा वाला फ्रंट है जिसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है, जब गर्म और ठंडी वायु राशियां इस तरह से हों देखिएगा आप, यह है वार्म फ्रंट, इधर से आया कोल्ड फ्रंट, इधर से भी आया कोल्ड फ्रंट, ये कोल्ड एयर मास आई, ये है कोल्ड एयर मास। इस कोल्ड एयर मास ने वार्म एयर मास को धक्का मारा, नतीजा क्या होगा, वार्म एयर मास ऊपर चढ़ जाएगी और कोल्ड एयर मास नीचे घुस जाएगी। ठीक इसी प्रकार इधर से भी एक कोल्ड एयर मास आई, उसने भी इस वार्म एयर मास को धक्का मारा तो ये भी नीचे घुस गई, नतीजा क्या हुआ, दोनों तरफ से आने वाली ठंडी जो कोल्ड एयर मास थी उसने वार्म एयर मास को पूरी तरह से ऊपर उछाल दिया। अगर इधर से ना आती तो क्या होता, ये नीचे तो घुसती लेकिन पूरी तरह से इसके नीचे नहीं घुस पाती, या दूसरे शब्दों में कहें इसका कुछ भाग नीचे फिर भी बना रहता। लेकिन दोनों तरफ से कोल्ड एयर मास आई, उन्होंने वार्म एयर मास को पूरी तरह से उछाल दिया ऊपर। अब नीचे तरफ हर जगह कोल्ड एयर मास है और ऊपर वार्म एयर मास है, ये जस्ट लाइक सैंडविच, ब्रेड में सैंडविच बनाते हो ना, दो ब्रेड के बीच में एक नई चीज रख देते हो, सैंडविच बन जाता है। बस ये सैंडविच स्टाइल में जब भी फ्रंट बनता है तो इसको ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिविष्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है अधिविष्ट
अधिविष्ट और फ्रंट मतलब वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र तब बनता है जब दो तरफ से कोल्ड एयर मास आके वार्म एयर मास को धक्का मारती है और दोनों तरफ से आके कोल्ड एयर मास नीचे घुस जाती है, वार्म एयर मास को पूरी तरह से ऊपर उठा देती है। तो ऐसे जो फ्रंट बनते हैं उनको ऑक्लूडेड या अधिविष्ट एयर मास कहा जाता है, ये इनकी विशेषता होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, डबल फ्रंट बनेगा। डबल फ्रंट कैसे बनेगा, एक ये बन गया दूसरा ये बन गया, बना डबल फ्रंट। आई बात समझ में, ये है ऑक्लूडेड फ्रंट की विशेषता। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वर्षा होगी, नेचुरल होगी, होगी वर्षा। ऐसी स्थिति में वर्षा होगी क्योंकि गर्म हवा पूरी तरह से ऊपर उठ चुकी है और ठंडी हवा नीचे आ गई है। नतीजा क्या होगा, ये गर्म हवा धीरे धीरे करके ठंडी हवा के संपर्क में आके कंडेंस होती चली जाएगी। तो होगी वर्षा, धीमी वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, इसमें धीमी गति से वर्षा होगी और इस क्रिया में बहुत टाइम लगता है। तो धीमी गति से वर्षा होती है लेकिन तेज वर्षा नहीं होती। तेज वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है कि ये बहुत तेज गति से आने चाहिए, तो उतनी तेज गति इनमें होती नहीं है, इसलिए इसमें भी वर्षा होगी लेकिन धीमी गति से होगी। इसको कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट क्लियर हुआ, समझ में आ गया चारों प्रकार के फ्रंट। फ्रंट का जब भी फ्रंट शब्द आएगा तो आपको क्या दिमाग में रखना है, फ्रंट शब्द से आपको क्या दिमाग में रखना है कि फ्रंट मीन्स गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन स्थल, गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन स्थल, उसको कहते हैं फ्रंट। और फ्रंट जो होते हैं वो ढाल स्लोप बनता है। स्लोप जितना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा स्लोप हो, ढाल ज़्यादा हो, इसका मतलब वहाँ वर्षा अच्छी खासी होने वाली है, और स्लोप छोटा है, ज़्यादा स्लोप नहीं है, तो वहाँ वर्षा कम होगी। स्लोप का मतलब होता है बनने वाला कोण, हॉरिजॉन्टल के साथ बना कोण, ये आपका स्लोप है। ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ है, यहाँ एक मैं लाइन खींच दूँ तो इसके साथ जो कोण बनेगा, ये कोण जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ही बड़ा कहलाएगा। अगर ये स्लोप यहाँ होता तो इसका कोण इतना बड़ा होता, नीचे है तो कोण छोटा है। तो एंगल जितना छोटा होता है स्लोप उतना ही कम होता है। स्लोप जितना कम होता है वर्षा उतनी कम होती है, स्लोप जितना बड़ा होता है वर्षा उतनी ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ, ठीक है। वर्षा होने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है, स्लोप का अधिक होना और दूसरा, दूसरी बात क्या है, स्लोप अधिक होना चाहिए वर्षा होने के लिए, और दूसरी बात क्या कि कोल्ड एयर क्या करे, जो वार्म एयर है, वार्म एयर आकर, कोल्ड एयर आकर नीचे घुस जाए वार्म एयर के। कोल्ड एयर जितनी तेज़ी से नीचे घुसेगी वार्म एयर को उतनी तेज़ी से ऊपर उछालने की कोशिश करेगी, और वार्म एयर जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी लिए हुए बैठी खड़ी हुई एक जगह पर, अगर उसको और ऊपर उछाला जाएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी और जल्दी से निकल जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। कोई भी वायु जब ऊपर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो वार्म एयर को अगर ऊपर उछालोगे तो वो और ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो कंडेंस होके प्रेसिपिटेट कर देगी तुरंत, तो ज़्यादा वर्षा होगी। तो कोल्ड एयर मास जो कोल्ड फ्रंट होते हैं उनमें इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चार प्रकार के फ्रंट होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा किस फ्रंट से होती है, तो आप कहेंगे कोल्ड से। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक वर्षा किस फ्रंट से होती है, तो आप कहेंगे वार्म फ्रंट से। लॉन्ग लास्टिक रेन वाला फ्रंट वो है वार्म, ठीक। ड्रिजलिंग किससे होगी, स्टेशनरी से ड्रिजलिंग होगी, और ऑक्लूडेड से किस प्रकार का होगा, ये ऑक्लूडेड आपके सामने है। ऑक्लूडेड में सैंडविच बनता है, वार्म एयर मास ठंडी एयर मास के बीच में आ जाता है, ठीक है, पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। जब पूरी तरह से ऊपर उठ जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत धीमी धीमी बारिश करेगा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, ना बहुत ज़्यादा बारिश होगी ना लंबे समय तक होगी, बहुत धीमी गति से बारिश होगी, ठीक है। इस प्रकार चार प्रकार के फ्रंट हमने पढ़ लिए, यही चारों फ्रंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रंट ही चक्रवात का कारण होते हैं। जब भी चक्रवात बनते हैं तो मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ फ्रंट बनते हैं वहाँ चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं। अब देखो, चक्रवात माने होता है हवा का चक्रीय क्रम में घूमना, चक्रीय गति से घूमना। तो इस आधार पर जब हम चक्रवात को पढ़ेंगे
तो विद्यार्थियों आपके सामने ये चार कंडीशन दी हुई हैं। चक्रवात माने होता है हवा का चक्री क्रम में घूमना। अब देखिए हवा ऐसी घूम रही है, इस चक्रवात में चक्री हवा में आपको क्या समझ में आ रहा है? हवा अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर की तरफ जा रही है हवा। इसका मतलब अंदर से बाहर की ओर विस्तार हो रहा है। अंदर से बाहर जा रही है इसका मतलब ये हुआ अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। हवा हमेशा कहाँ चलती है? अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की। तो यहाँ अंदर कैसा है? हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर एरिया है और इससे हवा जा रही है लो प्रेशर एरिया में, बाहर की ओर लो प्रेशर है। ठीक, तो अंदर है हाई बाहर है लो। जब भी कभी अंदर हाई प्रेशर हो और बाहर लो प्रेशर हो इसे कहते हैं एंटी साइक्लोन। और इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कैसे? अब देखिए ये कैसा है, हवा बाहर से अंदर आ रही है। जब बाहर से अंदर हवा आएगी तो बनने वाला जो साइकिल होगा वो सिकुड़ेगा। बाहर से अंदर आएगी तो सिकुड़ेगा और अंदर से बाहर जाएगी तो फैलेगा। तो फैलने की प्रवृत्ति होती है एंटी साइक्लोन में, हवा के फैलने की प्रवृत्ति एंटी साइक्लोन में होती है और हवा के सिकुड़ने की प्रवृत्ति साइक्लोन में होती है। तो जब साइक्लोन चलते हैं तो इस तरह से चलते हैं और एंटी साइक्लोन चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। अंदर हाई प्रेशर, अंदर हाई बाहर लो, तो हवाएं अंदर से बाहर चलेंगी यानी फैलेंगी। और जब हवाएं फैलती हैं तो एंटी साइक्लोन बनते हैं, ये एंटी साइक्लोन है। क्लियर हुआ? ये देखिए इसमें क्या है, अंदर है लो प्रेशर और बाहर है हाई प्रेशर, तो हवाएं बाहर से अंदर चलेंगी मतलब हवाएं सिकुड़ने की कोशिश करेंगी। तो जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं तो बाहर होता है हाई प्रेशर, अंदर होता है लो प्रेशर, इसको कहते हैं चक्रवात। चक्रवात मतलब चक्र माने गोल, वात माने हवा। जब हवा गोल गोल घूमे और अंदर की ओर सिकुड़ती चली जाए तो उसे कहते हैं चक्रवात, और इसका उल्टा हो जाए तो उसे कहते हैं प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो ये एंटी साइक्लोन है और ये साइक्लोन है। अब देखिए आप, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन इनकी एक विशेषता होती है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में इनका इनके चलने का जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो चक्रवातों के चलने की दिशा फेरल के नियम के ठीक विपरीत होती है। फेरल ने क्या बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसी होती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यही बोला था ना आपने, चलने की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और चक्रवात में ठीक उल्टा होता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। मतलब अगर मैं ये दोनों चक्रवातों को देखिए, अगर मैं ऐसा बनाऊं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो गया और नीचे वाला सदर्न हेमीस्फीयर हो गया। अब मुझे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में अगर चक्रवात चलाने हैं तो मुझे कैसे चलाने पड़ेंगे? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में चक्रवातों का जो घूमने का जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है और चक्रवात बाहर से अंदर की ओर आएगा। बाहर से अंदर, अंदर है लो प्रेशर, यहां है लो प्रेशर और बाहर है हाई प्रेशर, नतीजा हवा बाहर से अंदर की ओर आएगी, तो ये बन गया चक्रवात। अब अगर मुझे यही चक्रवात सदर्न हेमीस्फीयर में बनाना है तो सदर्न हेमीस्फीयर में कैसे लेगा ये? अभी चला एंटी क्लॉकवाइज, अब चलाना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? आप देख के समझ जाओगे अगर आपको ये फिगर दिया गया परीक्षा में। बताइए इस तरह से चक्रवात चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में चलेगा या दक्षिणी गोलार्ध में? तो आपको क्या देखना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए आप,
कैसा है, घड़ी की सुई की दिशा में है ना, घड़ी ऐसी चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज कहाँ चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये एक चक्रवात है और ये इंडिया में आया, ये चक्रवात इंडिया में आया, बताइए इंडिया में कहाँ पर आएगा ये वाला चक्रवात, ये चक्रवात इंडिया में कहाँ आएगा? अरे कहीं नहीं आएगा, इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अभी तो बताया तुमको भाई, फिर भी लगे हो साउथ साउथ है। ये चक्रवात कहाँ आएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इसका साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चक्रवात इंडिया में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मात खा जाते हैं, आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा परीक्षा में, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये वाला चक्रवात इंडिया के किस भाग में आएगा, तो लिखा होगा उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, और कहीं नहीं। आंसर हुआ कहीं नहीं, तुम लगाते रह जाओगे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है। तो समझना है हमको चीज़ों को। अब ये वाला चक्रवात, ये चक्रवात कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात कहाँ चलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपसे पूछा बताइए ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया किस भाग में आएगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कभी नहीं आएगा, ये वाला चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं आएगा। समझ में आई बात? ये वाला चक्रवात इंडिया में आएगा और ये वाला चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आएगा। क्लियर है? ठीक है, बस पहचानना है देख के। अब ऐसे ही एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन में हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। साइक्लोन में हवाएं बाहर से अंदर क्यों आ रही हैं? बाहर से अंदर क्योंकि बाहर है हाई प्रेशर और अंदर है लो प्रेशर। उल्टा कर दीजिए, अब अंदर करना है हाई प्रेशर और बाहर करना है लो प्रेशर, तो हवाएं कैसी चलेंगी? साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी साइक्लोन कैसे होंगे? क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन होंगे क्लॉकवाइज और चलेंगे कहां से? अंदर से, अंदर से बाहर। बात समझ में आई? एंटी साइक्लोन है तो अंदर से बाहर की ओर चलेगा, अंदर होगा हाई प्रेशर और बाहर होगा लो प्रेशर। अंदर से बाहर चलाना है और डायरेक्शन कैसी रखनी है? क्लॉकवाइज। ठीक, कैसे करोगे? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, क्या हो गया? अंदर से बाहर है, अंदर से बाहर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अंदर से बाहर है, अंदर से बाहर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? डेंस एयर थी कहीं पर और वो फैल रही है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक, एंटी साइक्लोन डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसकी डायरेक्शन कैसी? क्लॉकवाइज। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसलिए एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होते हैं, उल्टा होता है जस्ट। तो ये हो गया एंटी साइक्लोन, और यही एंटी साइक्लोन दक्षिणी गोलार्ध में चलाना है हमको, सदर्न हेमिस्फीयर में चलाना है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कहां से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से। बाहर से अंदर तो चक्रवात होता है भाई, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर चलाना है। और कैसा चलाना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर एंटी क्लॉकवाइज। हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप बाहर से अंदर आ रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था तो सिकुड़ रहा था, अंदर से बाहर जा रहा है तो फैल रहा है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए साइज किसका बड़ा होगा, क्लॉकवाइज चक्रवात का, साइक्लोन का या एंटी साइक्लोन का? नेचुरल एंटी साइक्लोन, क्योंकि एंटी साइक्लोन बाहर की ओर फैलते हैं इसलिए उनका आकार बड़ा होता है। तो दोनों के आकार में क्या फर्क है? जहां साइक्लोन, साइक्लोन का साइज कितना तक हो सकता है? साइक्लोन सामान्यतः 50 किलोमीटर से लेके और 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक भी पाए जाते हैं। ये साइक्लोन की विशेषता होती है। ज़्यादातर साइक्लोन
50 से 250 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, मतलब उनका व्यास, यहाँ डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर है इसका, बीच से सेंटर से लेके ये डायमीटर है, तो सॉरी रेडियस, ये इसकी रेडियस है, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर से लेके बाहर तक, तो जिसकी रेडियस और पूरा अगर कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो जिस साइक्लोन का डायमीटर जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा ज़्यादा जगह घेरेगा। तो ये दोनों साइक्लोन हैं, ये दोनों साइक्लोन में हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही थी, बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर आने के कारण इनका दायरा कैसा है, छोटा है, इनका डायमीटर छोटा होता है। लेकिन एंटी साइक्लोन में ठीक उल्टा होता है, हवाएं अंदर से बाहर की तरफ फैलती हैं, इसलिए इनका डाया बहुत बड़ा होता है, ये इनका डाया है, ये इनका डाया है। तो एंटी साइक्लोन कितने किलोमीटर तक हो सकते हैं, एंटी साइक्लोन 2-400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो सकते हैं, इतना बड़ा इनका डायमीटर होता है। लेकिन साइक्लोन का डायमीटर अधिकतम 500-600 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो दोनों ये साइक्लोन है, साइक्लोन छोटे जगह में होते हैं, एंटी साइक्लोन बड़ी जगह में होते हैं। जब साइक्लोन आते हैं मौसम खराब होता है, एंटी साइक्लोन आते हैं मौसम साफ हो जाता है। एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, बीच में लो प्रेशर है ना, तो बाहर से हवाएं तेज गति से उस जगह को कवर करती हैं जहां लो प्रेशर होता है। मान लीजिए भोपाल के इस क्षेत्र में लो प्रेशर हो जाए, तो भोपाल के बाहर की जो हवाएं होंगी वो तेज गति से भोपाल की ओर मूव करेंगी, नतीजा क्या होगा, भोपाल में आंधी तूफान आ जाएगा, बारिश होगी, तो वो साइक्लोनिक स्थिति बनेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि भोपाल से बाहर कहीं साइक्लोन, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, भोपाल से बाहर अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो भोपाल से हवाएं तेजी से उधर की ओर फैलेंगी, तो भोपाल से जब हवाएं बाहर की ओर फैलेंगी तो यहाँ मौसम साफ हो जाएगा। जहाँ से हवाएं फैलती हैं वहाँ मौसम साफ होता है, जहाँ हवाएं सेंट्रलाइज्ड होती हैं वहाँ मौसम खराब हो जाता है। सेंट्रलाइज कहाँ होती हैं, जहाँ लो प्रेशर होता है, फैलती कहाँ से हैं, जहाँ हाई प्रेशर होता है। तो एंटी साइक्लोन जब भी आते हैं तो मौसम साफ हो जाता है, और साइक्लोन जब भी आते हैं तो मौसम खराब हो जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। साइक्लोन में अंदर प्रेशर लो होता है, बाहर की तरफ हाई होता है, इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। एंटी साइक्लोन में ठीक उल्टा होता है, अंदर हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है, इसलिए हवाएं अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। ये इनकी विशेषता है एंटी साइक्लोन की। साइक्लोन मौसम को ख़राब करते हैं, एंटी साइक्लोन मौसम को साफ करते हैं, मौसम साफ हो जाता है। और साइक्लोन का डायमीटर छोटा होता है, एंटी साइक्लोन का डायमीटर बड़ा होता है। हर साइक्लोन के पीछे एक एंटी साइक्लोन आता है। जब भी कहीं साइक्लोन आएगा तो उस साइक्लोन के मौसम के ख़राब मौसम को कवर करने के लिए पीछे से एक एंटी साइक्लोन आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि साइक्लोन आके रह जाए, क्योंकि साइक्लोन आएगा तो मौसम खराब होगा, तो थोड़ी देर बाद मौसम साफ होगा ना, तो साफ कैसे होगा मौसम, थोड़ी देर बाद मौसम फिर साफ कैसे हो जाएगा, साफ होगा इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से ऐसी हवाएं आ गई हैं जो एंटी साइक्लोनिक हैं। तो साइक्लोन के पीछे पीछे एंटी साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन आते हैं मौसम खराब हो जाता है, उस मौसम को फिर साफ करने के लिए पीछे से एंटी साइक्लोन आ जाता है। तो अगर खराब मौसम के बाद मौसम साफ हो जाए तो आपको क्या समझना चाहिए, साइक्लोन चला गया, एंटी साइक्लोन आ गया, ठीक। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन हमेशा साथ साथ चलते हैं, जोड़े में रहते हैं, जहाँ साइक्लोन आगे बढ़ेगा तो पीछे पीछे एंटी साइक्लोन आएगा। क्यों जोड़े में रहते हैं, क्योंकि एक तरफ लो प्रेशर होता है, दूसरी तरफ हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर इधर है तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर है, तो पूरी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर तो अपनी स्थिति को बनाएगा ना, कहीं हाई प्रेशर हो गया है, कहीं लो प्रेशर हो गया है, तो हाई से लो की ओर हवाएं आएंगी, हाई से लो की ओर आएंगी तो तेज़ी गति से आएंगी, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं बनेंगी, मौसम खराब होगा, और थोड़ी देर बाद फिर से हवा वहाँ संतुलन बन जाएगा हवा का, फिर से मौसम साफ हो जाएगा। तो ऐसी गतिविधियाँ हर जगह पाई जाती हैं, इसी को कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो आज मैंने आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ाए, लोकल विंड्स पढ़ाए, इन दोनों में क्या फ़र्क था मैंने वो फ़र्क बताया। कल बताऊंगा साइक्लोन के प्रकार, कितने प्रकार के साइक्लोन होते हैं। साइक्लोनिक जो हवाएं होती हैं वो गोल गति से घूमती हैं। गोल गति से क्यों घूमती हैं, साइक्लोन गोल गति से ही क्यों घूमते हैं, चक्र क्यों मारते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि साइक्लोन हमेशा गोल गोल घूमते हैं, इसके हर दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। तो विद्यार्थियों कल हम इसी पर चर्चा करेंगे कि साइक्लोन गोल गति से क्यों घूमते हैं, दूसरी बात साइक्लोन होते कितने प्रकार के हैं, इस पर कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद।